गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था जिसको गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं, और गॉसेस थ्योरम में हमने जो रिजल्ट निकाला था वो था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस होता था बराबर 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज क्यू। कल मैंने आपको समझाया था बेटा, ये कल हमने एक बॉल ले ली थी और उस बॉल के अंदर हमने एक चार्ज रखा था प्लस क्यू। उस प्लस क्यू की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है बाहर की तरफ, वो आया था φe = 1/ε0 टाइम्स क्यू। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए। आज मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट, ठीक है बेटा, अगर चार्ज इस बॉल के अंदर क्या था बेटा, क्यू, स्मॉल क्यू। इस बॉल के अंदर कितना चार्ज रखा मैंने, स्मॉल क्यू। कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है चारों तरफ से, शाबाश बेटा, चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है बेटा, 1/ε0 टाइम्स क्यू। अब अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्यू के बजाय मैं रखूंगा 2q, इस बॉल के अंदर कितना चार्ज रखा 2q, तो फ्लक्स कितना आएगा, φe उस वक्त आएगा 1/ε0 टाइम्स 2q, क्योंकि चार्ज कितना रखा 2q। ठीक है बेटा, इसका मतलब जब चार्ज क्यों था तब इतना फ्लक्स आया, जब चार्ज 2q रखा तो फ्लक्स 2 times आया 1/ε0 टाइम्स क्यू। जब चार्ज 3q रखेंगे तो 3 times आएगा। जब इसी तरीके से मैग्नीट्यूड जितना जितना बढ़ाएंगे तो अपना फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा, जितना जितना हम इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे चार्ज, मैग्नीट्यूड हम इंक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेंगे, जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे बेटा, पहले 1q था, फिर 2q था, फिर 3q था, फिर 4q था, तो फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, जितना इस बॉल के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही फ्लक्स बाहर आएगा। मैग्नीट्यूड कम होगा फ्लक्स कम, मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फ्लक्स भी ज्यादा, ये पॉइंट याद रखना बेटा। सेकंड पॉइंट, ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट है, अगर इस बॉल के अंदर, मान लीजिए ये है बॉल, इस बॉल के अंदर मैंने चार्ज ही नहीं रखा, इस बॉल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यों है बेटा, जीरो, चार्ज इनसाइड दिस बॉल इज जीरो, चार्ज ही नहीं है इस बॉल के अंदर, तो फ्लक्स कौन देगा, जब चार्ज ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, चार्ज इसके अंदर जीरो है। When the charge inside the ball is zero, क्यों ही जीरो है, तब फ्लक्स कितना बनेगा बेटा, फ्लक्स कितना बनेगा,
phi e is equal to 1 upon epsilon naught times 0, phi e is equal to 0. When there is no charge inside the closed surface, then flux is, electric flux is 0. Remember it. जब चार्ज ही नहीं है कुछ इसके अंदर तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो. जब मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ा देंगे तो फ्लक्स भी इंक्रीज होता है. दूसरा पॉइंट है, जब चार्ज ही नहीं हो तब फ्लक्स है जीरो. याद रखना बेटा. अब पॉइंट नंबर थ्री, रिमेंबर दीज पॉइंट्स. फिर से बता रहा हूं, दिस इज पॉइंट नंबर थ्री. नाउ पॉइंट नंबर थ्री क्या है बेटा, अंडरस्टैंड करो. पॉइंट नंबर थ्री इज, अगर ये कोई सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, अब इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है. कितने चार्ज मैंने रखे इसमें? दो. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ फ्लक्स बनेगा ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है बेटा, इसकी तरफ से अंदर की तरफ आएगा फील्ड ऐसे ऐसे ऐसे. इसका मतलब हो गया प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज. प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स बनेगा? फाई ई प्लस चार्ज की वजह से हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स प्लस क्यू. नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा? फाई ई माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स माइनस क्यू. ये हो गया प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू. ये हो गया माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू. टोटल फ्लक्स हो गया एफ ई. टोटल फ्लक्स दोनों चार्जेस की वजह से हो गया, ये और ये कैंसल, टोटल फ्लक्स जीरो. इसका मतलब हो गया बेटा, अगर प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज मैंने इसके अंदर डाले, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा और माइनस क्यू की वजह से अंदर की तरफ आएगा. जितना बाहर लाइने जाएगी उतनी ही अंदर आएंगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? जीरो. इसका मतलब है व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, then the total electric flux again is zero, because the total number of electric field line is leaving is equal to the total number of electric field lines entering. जितनी बाहर जा रही है उतनी ही अंदर आ रही है electric field lines, तो total flux is again zero. Remember it. बड़ा important point है बेटा, बहुत important point है. तीन points मैंने बताए, जितना जितना बॉल के अंदर मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा. सेकंड, अगर इस बॉल के अंदर चार्ज ही नहीं होगा फ्लक्स जीरो होगा. अगर इस चार बॉल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तब भी फ्लक्स जीरो है, क्योंकि जितना बाहर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अंदर आएगा. तो इसका मतलब हो गया टोटल फ्लक्स जीरो है. ये भी याद रखिए. आप इधर देखो, इधर देख लीजिए. अगर बेटा ये क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है बेटा. इस क्यूब के अंदर आप लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा. इसके छह फेसेस हैं. इधर देख लीजिए, प्लस क्यू. ये जो इस साइड से बेटा, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से,
जो फ्लक्स निकलेगा वो याद रखे, वो होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यही आप लोगों को पहले भी बताया, इसी के साथ जोड़ रहा हूं फिर से ताकि आपको समझ आए, अब इसी क्यूब के अंदर मैंने प्लस 2 क्यू चार्ज रखा, फ्लक्स कितना आएगा, यहां से भी 2 टाइम्स आएगा, यहां से भी 2 टाइम्स आएगा, यहां से भी फ्लक्स बाहर 2 टाइम्स आएगा, यहां से भी फ्लक्स 2 टाइम्स आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट होगा 2 टाइम्स क्यू, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स क्यू। वो मैंने पहले पॉइंट पे भी बढ़ा दिया, जितना फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे उतना फ्लक्स बढ़ जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड कम करेंगे उतना फ्लक्स भी कम होगा। लेकिन अब जो मुझे पॉइंट समझाना है वो देख लीजिए, ये आप लोगों ने पहले भी समझ लिया, अगर ये एक क्यूब है, इस क्यूब मान लीजिए ये जो लेंथ है, हर कोई साइड है मान लीजिए इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है। अब देखो एक क्यूब जो मैंने बनाया, आप देख लीजिए बेटा, ऐसे बनाया, इसकी ये जो लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर, साइज बढ़ा दिया, इधर स्मॉल साइज क्यूब है, इधर बिगर साइज, मगर चार्ज बेटा इसमें भी प्लस क्यों है, इसमें भी प्लस क्यों है, ठीक है बेटा। इसका फ्लक्स कितना बना था, 1/ε0 क्यू, इसका कितना, इसमें तो हमने क्यूब को, एक को छोटे डब्बे में रखा था चार्ज को, दूसरे को बड़े डब्बे में रखा, तो हमें देखना है इसका फ्लक्स कितना है, इसका फ्लक्स कितना आएगा। बेटा याद रखे बेटा, डब्बे से बड़ा, इसका तो 10 सेंटीमीटर साइड था, इसका 5 सेंटीमीटर साइड था, लेकिन जो ये डब्बा है, क्लोजर सरफेस है, इसके बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं, इसमें भी उतना ही फ्लक्स आएगा। इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस छोटी हो या क्लोज्ड सरफेस बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लक्स पर, याद रख रहे हो बेटा, इसमें भी इतना ही फ्लक्स आएगा, इसमें इतना फर्क क्या था फिर, इसमें हमने स्पेस बड़ी ली थी, जो क्लोज्ड सरफेस इसमें ली थी वो बड़ी थी, इसमें छोटी थी, बड़ी या छोटी होने से फ्लक्स पर नहीं फर्क पड़ता है, अगर पड़ेगा तो मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ेगा, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, उस पर फर्क पड़ेगा, स्मॉल साइज्ड क्यूब या बिगर साइज्ड क्यूब से कोई फर्क नहीं पड़ना, फ्लक्स उतना ही इसमें भी निकलेगा, इतना ही फ्लक्स इसमें भी निकलेगा, साइज का कोई इशू नहीं, याद रखा, ये भी एक पॉइंट है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, अब एक और चीज है, एक और पॉइंट है, दिस इज पॉइंट नंबर 5। देखो बेटा, ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है बेटा, यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, और प्लस क्यू चार्ज से आप लोगों को पता है डाइवर्जेंट फील्ड निकलता है, दिस इज द डाइवर्जेंट फील्ड, ऐसे निकलता है फील्ड, ऐसे, आप लोग मुझे बता दीजिए इस क्लोज्ड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हाउ मच इज इन दिस क्लोज्ड सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपको बताना है। देखो बेटा, चार्ज, रिमेंबर दिस, चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस,
चार्ज क्या है बेटा? आउटसाइड द सरफेस। ये नोट करने वाला पॉइंट है, चार्ज रिजाइड्स आउटसाइड द सरफेस, ये सरफेस के अंदर नहीं है। इसका मतलब हो गया जितनी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, एक दो तीन चार, चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रही है इस सरफेस के अंदर, ठीक है, लेकिन उतनी ही लाइन्स बाहर जा रही है, एक दो तीन चार। इसका मतलब हो गया द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लीविंग द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? जीरो। जितनी अंदर आ रही है सरफेस के अंदर फील्ड लाइन्स, उतनी ही बाहर जा रही है, इसलिए फ्लक्स कितना है? जीरो। इसका मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर phi E इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द लीविंग। हेंस चार्ज बाहर होने से, चार्ज अगर मैंने बाहर रखा, बॉल के बाहर रखा चार्ज, इसका मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस बॉल के अंदर जाएंगी, उतनी ही बाहर आएंगी दूसरी साइड से। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चार्ज आउटसाइड द बॉल हो तो वो जीरो होगा। याद रखा बेटा, सारे पॉइंट्स आप लोगों के याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हेन द चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासेस द क्लोज्ड सरफेस, देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट करने हैं, ठीक है बेटा। दीज पॉइंट्स यू शुड नोटेड फॉर गॉसेस लॉ।